हेलो फ्रेंड्स नमस्कार क्लास इलेवन चैप्टर नाइन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के सेशन में आप सबका स्वागत है स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जांपल एंड टू सॉल्व दैट एग्जांपल यू रिक्वायर थी मच ओके ये यंग का टेबल है फिर ये किसका है देखो बल्क का और ये किसका है शेयर का ओके okay.

सिलिंड्रिकल रोड है और उसके रेडियस दिए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि कितनी है देखो. 10 10 3. तो ये हो गया 10 रेस टू माइनस टू और उसका स्क्वायर तो कहने का मतलब क्या है 10 रेस टू माइनस फोर दिस इज द स्ट्रेस ये क्या हो गया स्ट्रेस अभी पहले स्ट्रेन फाइन कर लेते हैं बच्चों स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा यंग मोड्यूल इसका मतलब स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग मोडुलस तो स्ट्रेस जो आपको मिला टेन रेस टू नाइन डिवाइडेड बाय थ्री पॉइंट वन फोर और यंग मोड्यूल स्ट्रक्चरल स्टील रोड तो स्टील रोड का यंग मोड्यूल होता है टू इंटू टेन रेस टू इलेवन सो इससे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों स्ट्रेन ये दूसरा आंसर अभी स्ट्रेन का मतलब क्या है स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल सो व्हाट इज एल और सॉरी व्हाट इज डेल्टा एल दैट इज एल इनटू स्ट्रेन मतलब कि एल जो ओरिजिनल लेंथ थी वन मीटर और स्ट्रेन कितनी थी तो स्ट्रेन आपको यहाँ पर मैंने बोला कि वन अपॉन 2 3.4 2 3.14 सॉरी 10 रे टू -2 ठीक है पर देखो ये है नाइन और ये इलेवन टू माइनस 2 हो गया ठीक है है और सो तो माइनस मीटर इतना आया किस में आया रोड समझ में आपको अच्छी तरीके से पहले मैंने स्ट्रेस सॉल्व किया स्ट्रेस मिलने के बाद स्ट्रेन कैसे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन टू तो यंग कौन सा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे पता चलेगा कि यह लॉन्गनल है स्ट्रेच किया है देखो वायर को ओके okay, ठीक है चलिए नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर ओके व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर 2.2 मीटर व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टील वायर 1.6 मीटर बोथ ऑफ डायमीटर 3 एम एम ओके सब इन दोनों का डायमीटर कितना है थ्री एम एम इसका भी डायमीटर थ्री एम एम आर कनेक्टेड एंड टू एंड एंड टू एंड का मतलब ऐसा कि ये सोचो है कॉपर और दूसरा सोचो है किसका स्टील स्टील है ओके व्हेन स्ट्रेस बाय अ लोड द नेट एलोंगेशन इज फाउंड टू बी पॉइंट सेवन एम अच्छा नेट एलोंगेशन नेगेशन डेल्टा एल नेट इसका मतलब क्या हुआ डेल्टा एल कॉपर प्लस डेल्टा एल स्टील ऑप्टेन द लोड अप्लाइड हमें क्या फाइंड करना है लोड अप्लाइड ये हमें फाइंड करना है ठीक है तो डेल्टा एल नेट किस कितना मिला बच्चों हमें डेल्टा एल नेट दे पॉइंट सेवन एम एम पॉइंट सेवन एम एम ठीक है अभी बच्चों डेल्टा एल का फॉर्मूला आप कैसे पता लगाओगे डेल्टा एल यंग मॉड्यूलर्स का फॉर्मूला आपको पता है यंग मॉड्यूलर का फॉर्मूला क्या है वाई इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल वाई इज इक्वल्स टू क्या है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल पता है ना आपको अच्छी तरीके से तो एफ एल फोर्स ये जो फोर्स है वही तो हमें फाइंड करना है कि कितना फोर्स लगाया है ठीक है समझ में आ रहा है ना आपको हमें क्या फाइंड करना है बच्चों कि कितना फोर्स लगाया हुआ है ओके अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए और दूसरा कि नेट हमें कितना दिया है नेट एलोंगेशन का मतलब है डेल्टा एल प्लस डेल्टा सी ये हो गया कितना पॉइंट सेवन एम एम तो इसका मतलब ये कितना हो गया पहले तो ये देखिए सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस फोर एम ठीक है समझ में आया दूसरा कुछ दिया है ऑप्टेन द लोड अप्लाइड अप्लाइड का मतलब हमें find करना है बच्चों force. Okay, समझ में आया अच्छे तरीके से okay, अब एक बात मेरी सुनिए कि दोनों में ऐसा अगर सोचेंगे कि ये रिजिड है ये पहला रोड और ये दूसरा रोड और यहां पर हमने क्या किया लोड अप्लाई किया ठीक है सो so, दोनों में क्या होगा दोनों में सेम ऐसा होगा दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा है सेम है ओके सो व्हाट वी कैन से इज इज दैट स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल्स टू व्हाट? वेट अपॉन एरिया मतलब कि दोनों का स्ट्रेस कैसा रहेगा सेम रहेगा स्ट्रेस ऑफ वेट वेट अपॉन एरिया ठीक है ना स्ट्रेस ऑफ स्टिल अभी देखो stress दोनों का सेम है देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंच इज इक्वल टू यंग मोड्यूल तो इसका मतलब क्या हुआ कि यंग मॉड्यूल्स इंटू एप्सिलोन इक्वल टू यंग मोड्यूल इंटू एप्सिलोन आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप देखो यंग मॉड्यूलस ये जो है कॉपर का ले लेता हूं ये भी कॉपर का और इसका इधर यंग यहाँ पर मैं स्टील का ले लेता हूं और ये भी स्टील का तो कॉपर और स्टील का यंग आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए ठीक है कॉपर का यंग मॉड्यूलस कितना है ये देखिए वन फोर्टी वन फोर्टी इंटू टेन टू नाइन समझ में आ रहा और स्टील का 160 सॉरी ये तो बल्क मॉड्यूलर्स है मैंने गलत देखा कॉपर का कॉपर की ये डेंसिटी है यंग मॉड्यूलर ये है ये है 110 और ये कितना है 200 110 और यहाँ पर 200 ये हो गया 110 और ये हो गया 200 दोनों का पावर कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल और इधर भी डेल्टा एल अपॉन एल ये डेल्टा एल कॉपर और ये लेंथ ऑफ कॉपर ये डेल्टा एल स्टील और ये लेंथ ऑफ स्टील समझ में आया अच्छी तरीके से आपको अभी आपके पास लेंथ ऑफ कॉपर और लेंथ ऑफ स्टील ये दोनों है लेंथ ऑफ कॉपर इज व्हाट व्हाट इज गिवन लेंथ ऑफ कॉपर सी 2.2 और लेंथ ऑफ स्टील 1.6 तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ देखिए 110 डेल्टा एल कॉपर एंड लेंथ ऑफ कॉपर क्या थी 2.2 एंड 200 डेल्टा एल स्टील और लेंथ ऑफ स्टील क्या थी लेंथ ऑफ स्टील 1.6 1.6 ओके चलिए तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि भैया डेल्टा एल कॉपर डेल्टा एल स्टील इज इक्वल्स टू टू हंड्रेड इंटू टू पॉइंट टू डिवाइडेड बाय वन पॉइंट सिक्स सिक्स वन पॉइंट सिक्स एंड वन जीरो हमें डेल्टा एल कॉपर अपॉन डेल्टा एल स्टील का पता चल गया अगर एक बार ये पता चल गया देखो मैं ये करता हूं कि टू हंड्रेड क्या है टू हंड्रेड इंटू ट्वेंटी टू ओके डिवाइड बाई वन वन जीरो डिवाइड बाई वन पॉइंट सिक्स सो वॉट इज अवर आंसर आवर आंसर इज ट्वेंटी फाइव क्या है ट्वेंटी फाइव तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एल कॉपर इज ट्वेंटी फाइव टाइम्स डेल्टा एल स्टील ओके तो यहां पर देखिए हमारे पास एक दूसरा भी था क्या था डेल्टा एल कॉपर प्लस डेल्टा एल स्टील इज इक्वल टू सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस फोर था डेल्टा एल कॉपर ये कितना है फोर्टी 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 टाइम्स ना की ट्वेंटी फाइव टाइम्स सॉरी ट्वेंटी फाइव टाइम्स डेल्टा एल स्टील तो यहाँ पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ट्वेंटी फाइव डेल्टा एल स्टील प्लस डेल्टा एल स्टील इज इक्वल टू सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस फोर So, a is 26 into delta l still is equals to 7 into 10 raised to minus 4 so you have to calculate this Divide by 26 okay so this is the increment in the length of the steel rod Now, young modulus is equals to f l upon a delta l so f is equals to y a delta l upon a young modulus of steel यंग टू हंड्रेड इंटू टेन रेस टू नाइन और डेल्टा एल हमें अभी यहाँ पे मिला कितना भैया सेवन अपॉइटी सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस फोर यंग मोडुलस हो गया एरिया एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर तो पाई आर कितना है डायमीटर दिया है थ्री एम mm. तो इसका मतलब आर कितना है आर है वन पॉइंट फाइव एम मतलब 1.5 थ्री टू माइनस थ्री तो 1.5 का स्क्वायर और 10 रेस टू माइनस सिक्स कीजिए देन यू विल गेट आंसर ओके सॉरी एक चीज बाकी रह गई थी क्या बाकी रह गई थी वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल एरिया तो हमें यहां नहीं रिप्लेस करना था सॉरी बच्चों एरिया को ऊपर रिप्लेस करना है ठीक है

रेडियस कितनी है टू सेंटीमीटर मतलब की जीरो पॉइंट डिटरमाइन दिच इच था अंडर द एक्स्ट्रा लोड अभी एक्स्ट्रा लोड कितना तो बच्चों एक्स्ट्रा लोड इज इक्वल्स टू आया 280 एटी माइनस सिक्सटी क्योंकि टोटल मास 280 है और उसका मास 60 तो उसमें कितना लोड आया टू सिक्सटी नहीं आएगा ना अपना वेट तो नहीं आएगा तो टू टू एटी माइनस सिक्सटी तो कितना आएगा 220 किलोग्राम मींस देर फॉर लोड ऑन ईच लेग इज इक्वल्स टू 220 ट्वेंटी बाई सो वन किलोग्राम ओके और हमें क्या फाइंड करना है डिटरमाइन द अमाउंट वे ईच लाइबोट गेट कंप्रेस्ड तो मतलब कि हमें फाइंड करना है डेल्टा एल ठीक है सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर यंग मॉड्यूलर एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल एफ मतलब एम जी एल अपॉन ए डेल्टा एल ओके सो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एम जी एल अपॉन वाई ए नाउ एम व्हाट इज एम वन वन जीरो याद रखना एम कितना रखना आपको वन वन जीरो जी टेन रखो व्हाट इज लेंथ ऑफ द थाई बोन पॉइंट फाइव ओके सो पॉइंट फाइव रखना है यंग मोड्यूलर्स ऑफ द थीन हंड्रेड इंटू टेन रेस टू ओके नाइनटीन हंड्रेड तो डेंसिटी है सॉरी नाइन इंटू टेन रेस टू नाइन देखो ये बोन लिखा हुआ है गया? 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 और एरिया ये रेडियस है तो पाई आर स्क्वेर तो पाई इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू स्क्वे ओके सो इन दिस वे यू गेट द डेल्टा ओके फाइन

ठीक है तो ये जो है ये फिफ्टी सोचो और ये सोचो टेन तो ये नेरो फेस हुई और यहाँ पर आपको ऐसा दिया गया है कि फोर्स लगाया जिसकी वजह से क्या होगा जिसकी वजह से ये फेस है ना वो थोड़ी घूम जाएगी शियरिंग हमने मॉड्यूलस पढ़ा था ना तो इसका मतलब ये फेस थोड़ी इधर हो जाएगी ठीक है और ये भी ऐसे हो जाएगी थोड़ी सी यहाँ पर अगर मैं अच्छी तरीके से आपको दिखाऊं तो ये फेस भी थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी ठीक है तो हमें पूछा है कि भैया ये कितनी इधर जाएगी ये पूछा है और एच एच कितना होगा देखो ये फिफ्टी है तो ये फिफ्टी ओके सबसे पहले स्ट्रेस फाइंड कर लो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया अभी फोर्स कितना लगाया है नाइन इंटू टेन रेस टू फोर अपॉन एरिया तो ये फिफ्टी इंटू टेन सो फाइव हंड्रेड इंटू टेन रेस टू माइनस फोर मीटर स्क्वायर है ना तो स्ट्रेस आ गया अभी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू शीयर मोड्यूल अगर आपको पता है तो तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन शीयर मॉड्यूलस तो ये हो गया नाइन अपॉन फाइव अगर मैं देखू तो ये होता है वन पॉइंट एट नाइन अपॉन फाइव की अगर बात करूं मैं और ये टेन रेस टू फोर है ये माइनस फोर ऊपर जाएगा तो नाइन इंटू टेन रेस टू सॉरी एट और ये दो कट जाएगा तो टेन रेस टू सिक्स डिवाइड बाय शीयर मोड्यूलस अब ये लीड का शीयर मॉड्यूलस कितना है लीड ठीक है इंटू टेन रेस टू नाइन ओके तो

ओके okay? ठीक है चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं द एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशियन इज अबाउट थ्री थाउजेंड मीटर अच्छा कितनी डेप्थ दी है बच्चों थ्री थाउजेंड सॉरी थाउजेंड नहीं तीन किलोमीटर कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाई वी ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशियन गिवन दैट बल्क मोड्यूल ऑफ द वाटर इज दिस ओके बल्क मॉड्युलस हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है टू पॉइंट टू इंटू टेन रेस टू नाइन एंड जी इज इक्वल्स टू टेन रेस टू टेन ओके तो बच्चों बल्क मॉड्यूलर्स का फॉर्मूला है पी वी अपॉन डेल्टा वी सो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी हुआ पी का मतलब होता है रोज एच ठीक है नेक्स्ट चैप्टर में इस रोज को हम देखने वाले हैं अभी आप डायरेक्टली लिख लो और बल्क मॉड्युलस वो भी आपको दिया हुआ सो रो व्हाट विल बी द रो डेंसिटी ऑफ द वॉटर दिस इज थाउजेंड जी टेन और एच कितना दिया है थ्री थाउजेंड डिवाइड बाय बल्क मॉड्यूलस, टू पॉइंट टू इंटू टेन टू नाइन ओके सो इजीली यू कैन सॉल्व दैट व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ओके फाइन चलिए अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज क्या दिया हुआ है अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड अ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस स्ट्रेच्ड बाय द सेम अमाउंट एज द कॉपर वायर ऑफ द लेंथ 3.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस दोनों की लेंथ और दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है और दोनों का स्ट्रेच सेम दिया है डेल्टा एल कॉपर इज इक्वल्स टू डेल्टा एल स्टील ओके What is the ratio, sorry, under given load, मतलब कि भी सेम है। ंग मॉड्यूल to अच्छा तो आप बोलोगे कर सकते हैं ना आ, कर सकते हैं लेकिन हमें यहाँ से करना है दोनों का डेल्टा एल सेम दिया है यंग मॉड्यूलर्स का फॉर्मूला क्या है यंग मॉड्यूलर्स का फॉर्मूला है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन वाई तो एफ एल अपॉन वाई इज़ इक्वल्स टू एफ एल अपॉन वाई ए लेकिन ये सारा किसका कॉपर का और ये सारा किसका स्टील का ओके क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का दिया हुआ है तो Y कॉपर रेशियो ऑफ यंग ऑफ स्टील टू दैट ऑफ द कॉपर तो Y स्टील अपॉन Y कॉपर अगर मैं करूँ F दोनों का कट जाएगा दोनों की लेंथ है अपॉन लेंथ ऑफ स्टील अच्छी तरीके से देखो ये जो वाई स्टील uh, है ना अच्छा मुझे steel को यहां लाना है ना तो ऑफ कॉपर डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील ठीक है ये सब चीज आपको दी गई है एंड इजीली यू कैन फाइंड आउट दिस ओके फाइन चलो जैसा कि हमारा मेथड है मैं इसको इरेज करता हूं तब तक हो सके तो आप दूसरा देखो क्या दिया हुआ है दूसरे में देखो अच्छी तरीके से फिगर strain curve for the द material. What are आर यंग्स and एंड yield स्ट्रेंथ ऑफ दिस material? हमें फाइंड करने को बोला है यंग मॉड्यूल तो ये देखो ये पॉइंट आप चूज करो ये है 150 और ये क्या है 0.002, तो ये 150 मतलब कि स्ट्रेस इंटू टेन रेस टू सिक्स डिवाइड बाई स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू ओके तो ये हो गया यंग मोड्यूल और स्ट्रेंथ कितनी तो स्ट्रेंथ का मतलब ये है ये वाली तो ये हो गई मैक्सिमम स्ट्रेस कितना थ्री हंड्रेड इंटू टेन रेस टू सिक्स ओके ठीक है चलिए नाउ लेट सी नाइन पॉइंट थ्री द स्ट्रेस ट्रेन ग्राफ फॉर द मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन फिगर देखो यह दिख रहा है द ग्राफ आर ड्रॉन टू द सेम स्केल सेम स्केल से ड्रॉ किया गया है ओके मटेरियल हैज ग्रेटर यंग मोड्यूलस किसका यंग मोड्यूल ज्यादा है ये आपको कैसे पता चलेगा देखो यंग मोड्यूलस इज इक्वल्स टू क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ ठीक है एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू टेन थीटा तो थीटा जिसका ज्यादा देखो बच्चों थीटा जिसका ज्यादा उसका यंग मोड्यूलस ज्यादा अब आप अच्छी तरीके से देखो तो ये और ये थीटा में किसका थीटा ज्यादा है थीटा ए या थीटा बी तो थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी तो इसका मतलब किसका यंग मॉड्यूलर ज्यादा है ए का विच ऑफ द टू हैज इज द स्ट्रोंगर मटेरियल अच्छा कौन सा मटेरियल स्ट्रोंग है तो बच्चों जो ज्यादा स्ट्रेस अपने आप में हैंडल कर सकता है वो तो वो कौन सा आएगा बी ओके ठीक है आप भी जितना ज्यादा स्ट्रेस हैंडल कर सको उतना ही आप स्ट्रांग हो Read the following two statement below carefully and state with reasons if it is true or false. The Young's modulus of rubber is greater than that of the steel. False. कैसे? Young modulus का मतलब होता है stress upon strain. और देखो steel है उसमें इतना elongation नहीं होता. तो उसकी strain बहुत कम होती है. तो इसका मतलब उसका young modulus बड़ा है. Very simple. Next. स्ट्रेचिंग ऑफ अ कोईल डिटरमाइंड शियर मोड्यूल क्यों क्योंकि तो वो ऐसी हो जाएगी। उसके वायर की लेंथ इंक्रीज नहीं होगी उसका जो ये पार्ट था वो पहले जो ऐसा था वो बाद में ऐसा हो गया इसका मतलब ये क्या है शीयर मॉड्यूलस ठीक है सो हियर मॉड्यूल कैंसर इज लेंथ इज नॉट इंक्रीजिंग ओके ओनली शेप इज चेंजिंग दियर मॉड्यूलस ओके

एंड ब्रास वायर हमें इन दोनों में क्या uh, करना है बच्चों हमें करना है कि कितना एलोंगेशन होगा सो व्हाट इज द यंग मॉड्यूलस यंग मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल सो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए वाई अभी आप स्टील का देखोगे ना बच्चों स्टील तो डेल्टा एल स्टील में एम जी आएगा एल अपॉन ए वाई देखो यंग मॉडल का ये फॉर्मूला कितना काम में आता है यहाँ पर अगर आप स्टील लिखोगे तो मास आपको कितना लेना होगा फोर नहीं पूरा मास फोर प्लस सिक्स जी एल डिवाइड बाई ए इंटू तो वाई एस देखो आपको डायमीटर दिया गया है सो पायर स्क्वायर करके आप इजीली एरिया फाइंड कर सकते हो स्टील का यंग मॉडल हमने बोला है उससे आप इजीली फाइंड कर सकते हो और डेल्टा ब्रास आएगा डेल्टा एल ब्रास मैं यहाँ ऊपर लिखता So, your, यहाँ पर ब्रास के लिए क्या होगा बच्चों सिक्स किलोग्राम ही आएगा तो मतलब कि सिक्स इंटू जी इंटू एल यहाँ पर एल स्टील होगा यहाँ पर एल ब्रास होगा एल स्टील कितना है वन मीटर और ब्रास कितना है वन मीटर मीटर बहुत अच्छी बात है क्यों क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत इजी होता है y And here change in length of the strip, okay? Nine point six. आज हम द तक करने वाले हैं the edge of aluminium जो is क्यूब इज long. सेंटीमीटर face वन फेस ऑफ द क्यूब इज फॉर्मली the vertical वॉल ओके देखिए ये है वॉल और यहां पर क्या फिक्स किया गया है क्यूब ठीक है दूसरा क्या दिया है तो वन फेस ऑफ द द क्यूब इज फॉर्मली विद वर्टिकल वॉल द मास ऑफ हंड्रेड किलोग्राम इज देन अटैच टू द फेस ऑफ द क्यूब यहाँ पर कितना मास अटैच किया गया हंड्रेड किलोग्राम तो जाहिर सी बात है जो लेंथ ए सी है वो थोड़ी सी एसी हो जाएगी मतलब कि शियर की बात की है एल्यूमिनियम है ओके तो शीयर मॉड्यूलस ऑफ द एल्यूमिनियम इज ट्वेंटी तो शीयर मॉड्यूलस आपको दिया है Okay, तो okay, so तो फॉर्मूला क्या है शीयर मॉड्यूल्स का फॉर्मूला है इंटू जी जी की वैल्यू टेन ले लीजिए एरिया तो बच्चों ये एरिया एरिया आएगा या तो ले लीजिए क्यों भी है सभी एरिया तो और ईटा ईटा की वैल्यू हमें दी है ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रेस टू नाइन इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा स्ट्रेन वंस यू गेट इक्वल्स टू एक्स अपॉन एच हमें फाइंड करना है एक्स सो व्हाट इज एक्स दैट इज ट्रेन इन h. एच आप बोलोगे एच कितना एच इज टेन सेंटीमीटर ओके समझ में आ गया अच्छी तरीके से ओके सो इन दिस वे इजीली यू कैन फाइंड आउट दिस ओके चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए देखो बहुत इजी एग्जांपल से, बहुत इजी एग्जाम्पल मैं ये इरेज कर रहा हूं अब तक आप या तो सॉल्व कर सकते हो या फिर नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई कर सकते हो वी हैव सॉल्वड अप टू 9.6 राइट 9.6 तक हमने सॉल्व कर दिए ओके okay, 9.6 हो गया 9.7 फोर आइडेंटिकल होलो सिलिंड्रिकल कॉलम ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट्स अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50000 किलोग्राम ठीक है कितने पिलर से चार जो कि एक बड़े से फिफ्टी थाउजेंड किलोग्राम वाले स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं टोटल मास एम टोटल मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल मास कितना है फिफ्टी थाउजेंड किलोग्राम फिर क्या दिया हुआ है द इनर एंड द आउटर रेडाई ऑफ इच कॉलम आर थर्टी एंड सिक्सटी सेंटीमीटर ओके मतलब कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके का पिलर है जिसकी इनर रेडियस कितनी है थर्टी और आउटर रेडियस कितनी है ओके द लॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म कैलकुलेट द कंप्रेशन कम्प्रेशनल स्ट्रेन ऑफ द दलम कंप्रेशनल ओके सबसे पहले तो यंग मॉडलर्स हमें मालूम होना चाहिए पालो कॉलम ऑफ माइल स्टील स्टील का यंग मोडलर हमें मालूम होना चाहिए 2 into 10 raise टू 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओके लोड लोड इज इक्वल्स टू 50,000 डिवाइडेड बाय फोर किलोग्राम कैसे क्योंकि कितने पीलर से चार ओके okay. 50 अपॉन टू कितना होता है 25 25 अपॉन टू कितना होता है 12.5 तो so, 12.5 10 रे टू 3 किलोग्राम ठीक है एक की अगर हम बात करें लोड ऑन ईच पिलर लोड ऑन ईच पिलर फिर तो बहुत सिंपल हो गया यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू क्या हुआ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो स्ट्रेन हमें सॉल्व करना है तो स्ट्रेस अपॉन वाई स्ट्रेस कितना तो फोर्स अपॉन एरिया ओके तो फोर्स कितना फोर ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू थ्री इंटू टेन एम जी होता है ना हाँ फिर एरिया कितना तो भैया पाई पूरा एरिया सिक्सटी है तो मतलब रेडियस सिक्सटी है तो सिक्सटी का स्क्वायर तो पूरा एरिया आएगा माइनस थर्टी स्क्वायर तो इतना ही एरिया आएगा ठीक है और ये रेडियस सेंटीमीटर में दी गई है तो इसको मैं टेन रेइस टू माइनस फोर से मल्टीप्लाई करना चाहूंगा और आपको यंग मॉडुलस की वैल्यू रखनी है सो यू विल गेट द स्ट्रेन इससे आपको क्या मिलेगा बच्चों स्ट्रेन कौन सी स्ट्रेन कंप्रेशनल चलिए अच्छी तरीके से इसको नोट कीजिए कर लिया वेरी गुड सो वी है कौन सा सॉल्व कर लिया बच्चों हमने 9.7. अब कौन सा सॉल्व करना है 9.8. लेकिन सोच रहा हूं पहले इसको मैं क्या कर लूँ इरेज कर दूँ अगर आपने 9.8 ऑलरेडी कर लिया है ठीक है ये सारे टेक्स्ट बुक के सम से अगर आपने कर लिया है आप इतने अच्छे बच्चे हो ठीक है तो वीडियो को बंद करके खेलो एंजॉय करो ओके चलिए करते हैं कौन सा 9.8 पॉइंट एट द पीस ऑफ कॉपर है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन देखो एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है ऐसा, ये, ये 15, और पुल्ड इन टेंशन विथि थाउजेंड फाइव हंड्रेड न्यूटन इतने टेंशन से खींचा गया प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन कैलकुलेट रिजल्टिंग स्ट्रेंथ अरे वेरी सिंपल ये फोर्स है, और ये फिफ्टीन पॉइंट टू और ये कितना नाइनटीन पॉइंट वन यंग मॉड्यूल इज इक्वल फोर फाइव डबल जीरो एरिया तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आपको एरिया मिल जाएगा और यंग मॉड्यूलस किसका कॉपर कॉपर का यंग मॉड्यूलर्स तो उसको आप यहां पे रख दो And you will get the answer of the strain, okay? So, student, this is the solution up to ex exercise 9.8. Okay, and in the next video, we will solve the remaining stuff. Okay, thank you, and Namaskar.